हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल, डिलीशियस और काफ़ी हेल्दी क्लासिक टोमेटो सूप। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं, दो गाजर लिए और एक प्याज ली है नॉर्मल साइज़ की, देख सकते हैं आप। तो जितनी साइज़ के मैंने चीज़ें लें, अगर आप इसी इतना ही बना रहे हैं तो यही लें, अगर कम ज़्यादा आप अपने रेशो के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं 2 पर्सन के हिसाब से बता रही हूँ आपको, और तो सफिशेंट है 2 पर्सन के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं थोड़े छोटे साइज़ में काट रही हूँ, आप छोटे बड़े जैसे साइज़ में काटना चाहें काट सकते हैं, क्योंकि इसको हमें सीटी ही लगाना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इन सबको कट कर लेती हूँ। और ये काफ़ी हेल्दी सूप है, आप लोग रेगुलर बना के भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, और जब सर्दी ज़ुकाम होता है तब भी हमारे मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तब भी हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमारे गले को भी रिलीफ दे और काफ़ी अच्छा लगे, तो उस टाइम भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें चॉप कर ली थी, उसके बाद 3 से 4 गार्लिक लिए, उसे भी चॉप कर लिए हैं, ब्लैक पेपर ऐड करा है और सॉल्ट ऐड करा है। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के सीटी लगा ली है, 2 सीटी लगा ली हैं, आप 2-3 आपके कुकर के हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने छान के थोड़ा सा उसको जार में डाल दिया और थोड़ा सा इसमें नॉर्मल वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको छान लेंगे जो भी हमने किया, ताकि अगर अभी भी कुछ सीड्स और ये सब हैं तो वो रिमेनिंग निकल जाए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से छान लिया है, और अब हम, आप चाहें तो आपका सूप तैयार है, इसी तरह पी सकते हैं आप इसको थोड़ा सा बॉयल करके, इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करके। पर मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ, ट्विस्ट ये देखिए, थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ इसमें सौंफ और जीरे का। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें 1/2 चम्मच जीरा लिया है और 1/4 चम्मच यहाँ पे सौंफ ली थी, उसको तड़का लगा के उसमें जो टोमेटो सूप है वो ऐड कर दिया। और मैंने फ्लेवर के लिए चाट मसाला ऐड करा है, कोरिएंडर और ओनियन लीव्स डाल दी है, ऑप्शनल है आप डालना चाहें डाल सकते हैं ओनियन लीव्स। और यहाँ पे हमारा झटपट सा सूप तैयार है, तो अभी हम इसको इंजॉय करते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें क्रीम ऐड कर दिया, ये भी ऑप्शनल है। तो सूप को इंजॉय करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताएं कैसे लगा आपको हमारा ये झटपट सा क्लासिक टोमेटो सूप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखते हैं।